हे यू गुड बेबी गर्ल। लूफी का फाइनल फॉर्म, ये चीज़ पे मैं आज बात करने वाला है। ये वाला वीडियो थ्योरी वीडियो नहीं होने वाला है, बट मैंने बहुत पहले कुछ ऑब्जर्व किया था। उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड लूफी के अपकमिंग फॉर्म के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तड़पो मत, लगा रहा मैं इंट्रो, लेट्स बिगिन। लूफी का अवेकनिंग देख रखा है सबने एंड लूफी का फ्रूट रिवील जान रखा है सबने, लेकिन लूफी अवेकनिंग के बाद जो फॉर्म में था वो कौन सा फॉर्म था? हर जवान का एज यू नो तीन फॉर्म होता है, बेस, हाइब्रिड, फुल बीस्ट। लूफी के अवेकनिंग के बाद कभी सोचा है कि वो कौन से फॉर्म में काइडो से लड़ रहा था? मुझे जहाँ तक लगता है कि लूफी अपने हाइब्रिड फॉर्म में लड़ रहा था काइडो से। रीज़न, उसका शक्ल। लूफी अवेकनिंग के बाद भी काफ़ी हद तक लूफी जैसा ही दिख रहा था लमाओ, गोल आंखें, बड़ा मुंह, बस आजू बाजू वाइट वाइट हो गया था वो। हर जवान का हाइब्रिड फॉर्म ऐसा ही होता है। ऐसा हो ज़रूर सकता है कि ये उसका फुल बीस्ट फॉर्म है, सिंस उसका फ्रूट ह्यूमन ह्यूमन वाला है और जिस क्रिएचर पर वो बेस्ड है, सन गॉड निका, मे बी वो भी ऐसे ही दिखता है, बट ये फॉर्म का हाइब्रिड फॉर्म होने का ज़्यादा चांसेस लग रहा है मुझे। अच्छा, अगर ये हाइब्रिड फॉर्म है तो फिर लूफी का बीस्ट फॉर्म कैसा होगा? फुल जोन फॉर्म में लूफी कैसे दिखेगा? सन गॉड निका जैसे? आई गेस पूरी तरह वो सन गॉड निका जैसे ही दिखेगा। वैसे अभी मुझे नहीं लगता कि लूफी के और गियर्स होने वाले हैं। गियर 5 लास्ट गियर है आई गेस, तो फिर शायद तक लूफी का जो फाइनल फॉर्म होगा वो उसका बीस्ट फॉर्म होगा। लेकिन एक मिनट, अगर फाइनल फॉर्म बीस्ट फॉर्म हुआ भी तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? हाइब्रिड फॉर्म से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगा वो। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि हाइब्रिड फॉर्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बीस्ट फॉर्म से। नहीं बापू, हाइब्रिड फॉर्म कॉम्बैट वाइज ज़्यादा एडवांटेजियस होता है बीस्ट फॉर्म से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। काइडो वर्सेस लूफी में बहुत बार काइडो हाइब्रिड से बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। बीस्ट फॉर्म वीक नहीं होता है बट कंपैरेटिवली स्लो होता है, इसलिए हाइब्रिड फॉर्म ज़्यादा सूटेबल है 1v1 टाइप्स फाइट में। बट बीस्ट फॉर्म के भी खुद के एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ब्रूट स्ट्रेंथ, बीस्ट फॉर्म में स्ट्रॉन्गर फिजिकल अटैक्स किया जा सकता है, डिफेंस में बेटर होता है बीस्ट फॉर्म, एंड मिथिकल जवान के केस में तो बीस्ट फॉर्म और स्पेशल होता है सिंस वो अलाउ करता है यूज़र को अपने पैरामी से एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग और बेटर वे में यूज़ करने में। तो लूफी का बीस्ट फॉर्म एक्चुअली हाइब्रिड से भी ज़्यादा एडवांटेजियस हो सकता है कुछ सिचुएशंस पर। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बीस्ट फॉर्म बेटर और स्ट्रॉन्ग है हाइब्रिड फॉर्म से, ठीक है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा एडवांटेजियस है। नहीं, मैं क्लियर कर दिया, वरना आजकल एक एग्जांपल को भी कमेंट सेक्शन में, मतलब कमेंट में अच्छे से समझाना पड़ता है समझदार लोगों को। सो व्हाट आई एम सेइंग इसके शायद फ्यूचर में ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जहाँ पर लूफी को कॉम्बैट फाइट नहीं बल्कि अपने फ्रूट की पावर्स यूज़ करनी पड़ेगी, एंड उस मोमेंट में लूफी यूज़ करेगा अपना फाइनल फॉर्म, उसका बीस्ट फॉर्म। अब लूफी का बीस्ट फॉर्म कैसा होगा ये मैंने बता दिया, सन गॉड निका जैसा, लेकिन उसका बीस्ट फॉर्म में वो क्या क्या कर पाएगा? अपने इमेजिनेशन को बेटर वे में यूज़ एंड अपने रबर पावर्स को भी बेटर वे में यूज़ कर पाएगा शायद वो। निका फ्रूट एज यू नो यूज़र के बॉडी को रबर बना देता है और इमेजिनेशन की हेल्प से निका फ्रूट का यूज़र दुनिया भर की हरकतें कर सकता है। ऑब्वियसली इसमें भी लिमिट्स है, बट फिर भी इमेजिनेशन की हेल्प से निका फ्रूट का यूज़र लाइटनिंग पकड़ के किसी पे मार सकता है भाई, अपने आप को जायंट साइज का बना सकता है, अपने आसपास के माहौल को फनी बना सकता है, एंड और भी बहुत कुछ कर सकता है जो कि हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। ये सब तो भाई लूफी को करते हुए हम लोगों ने देख रखा है, बट थिंक अबाउट इट, लूफी इसी इमेजिनेशन के पावर को अपने बीस्ट फॉर्म में कितने बेटर वे में यूज़ कर पाएगा? इमेजिन करके क्या पता वो खुद को ड्रैगन के शेप का बना ले, हो सकता है कि वो लाइट को पकड़ ले, डार्क को पकड़ ले, इफ़ यू नो यू नो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि बीस्ट फॉर्म में लूफी ज़्यादा बेटर वे में अपने आसपास की चीज़ों को रबर बना पाएगा, भले कॉम्बैट फाइट में हक देगा उसका बीस्ट फॉर्म। वैसे कॉम्बैट फाइट के लिए वो हाइब्रिड में स्विच हो सकता है एकदम तुरंत, लेकिन अपने पैरामिसा पावर्स को बेस्ट वे में यूज़ करने के लिए बीस्ट फॉर्म उसके बहुत काम आएगा। बहुत क्या, सबसे ज़्यादा काम आएगा। वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है कि ये लूफी का बीस्ट फॉर्म था, मतलब अभी जो लूफी ने अवेकनिंग की बात किया, हो सकता है मे बी कि वो हाइब्रिड नहीं बल्कि बीस्ट फॉर्म था और बाद में उसका हाइब्रिड फॉर्म दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। सेंगोकू को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लो। वैसे मुझे लगता है कि मरीन फोर्ड में वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में था, मतलब हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था सेंगोकू, बट हु नोस, मे बी वो उसका बीस्ट फॉर्म था। आफ्टर ऑल काइडो के बीस्ट फॉर्म में भी तो उसके एक्चुअल बॉडी के थोड़े से रेजेंबलेंस है, ओनी वाले हॉर्न्स है ना भाई काइडो के बीस्ट फॉर्म में भी। बट जैसे मैंने पहले भी बोला, इसके होने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन। कमेंट से ज़्यादा
एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बोला था कि भाई तू लड़ता है कमेंट में। आई एम सॉरी अगर किसी को ऐसा लगा कि मैं लड़ता हूँ कमेंट में, ठीक है, मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता। देखो मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ ना, तो उसके पॉसिबल काउंटर्स को कंसिडर करके ही डालता हूँ। तो जब कोई बंदा उसी वे में काउंटर करता है जो मैंने पहले से सोच रखा है, तब मैं उसे बस अपना पॉइंट बता देता हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ योर काउंटर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। और हाँ, कुछ लोग ज़बरदस्ती का होशियार बनते हैं तो उनके साथ थोड़ा बकचोदी भी कर लेता हूँ, मज़ा आता है यार। आई एम रियली सॉरी अगर अभी तक किसी को इस चीज़ की वजह से बुरा लगा होगा, तो अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है। जो तुमको बोलना है दिल खोल के बोलो, मैं उंगल नहीं करने वाला। एंड अब नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेगी जो कि मोस्ट लाइकली कल ही आएगा 10:56 पर। तो बाय।